गुड इवनिंग बच्चों। बेटा आज बोर्ड पे कुछ लाइट इंप्रूव दिख रही है क्या? हाँ वेरी गुड। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने आइसोथर्मल प्रोसेस का डिस्कशन स्टार्ट किया था। और आइसोथर्मल प्रोसेस के डिस्कशन में मैंने आपको कुछ जनरल इंफॉर्मेशन बताया हुआ है। जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस में जो इंटरनल एनर्जी होती है आइडियल गैस के केस में वो कांस्टेंट रहती है, मतलब डेल्टा यू जीरो होगा। और डेल्टा यू अगर जीरो होगा तो डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू, यानी कि जो भी हीट हम सप्लाई करेंगे वो हीट कंप्लीटली वर्क डन में कन्वर्ट होगी। तो इस तरीके से अगर हम एफिशिएंसी की बात करें यहाँ पे, तो एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए? 100%, जो कि रियल सेंस में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, रियल सेंस में 100% एफिशिएंसी को अचीव कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो अब हमें डिस्कस करना है रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस को। ठीक है, तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो यहाँ पे आप देखो, अगर हम रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस को कंसिडर करें तो W रिवर्सिबल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस P एक्सटर्नल इंटू डीवी। रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में ये रिजल्ट हम लिखते हैं ना, माइनस P एक्सटर्नल इंटू डीवी। और अप्रोक्सीमेटली हम इसी को क्या लिख देते हैं? P इंटरनल इंटू डीवी। बताया था ना कि सिर्फ जो P इंटरनल इंटू डीवी, ये सिर्फ हम रिवर्सिबल प्रोसेस में ही यूज कर सकते हैं। तो हम इसी को अप्रोक्सीमेटली क्या लिख देते हैं? इसी को लिख देते हैं माइनस इंटीग्रल पी इंटरनल इंटू डीवी। ठीक है, अब देखो अगर हम एक गैसियस सिस्टम को कंसीडर करें, नोट करो, लिखो, कंसिडरिंग एन मोल ऑफ आइडियल गैस, कंसिडरिंग एन मोल ऑफ आइडियल गैस प्रेजेंट एट टेम्परेचर कैपिटल टी। लिखो, इफ इट अंडरगोज, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, कंसिडरिंग एन मोल ऑफ एन आइडियल गैस विच इज प्रेजेंट एट टेम्परेचर कैपिटल टी, इफ इट अंडरगोज इन वॉल्यूम चेंज फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2। चलो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, क्या कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या?
मैं रिपीट कर दे रहा हूं स्टेटमेंट को, कंसिडरिंग एन मोल ऑफ एन आइडियल गैस. अच्छा ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं स्टेटमेंट को, कंसिडरिंग एन मोल ऑफ आइडियल गैस प्रेजेंट एट टेम्परेचर कैपिटल टी इफ इट अंडरगोज वॉल्यूम चेंज, इफ इट अंडरगोज वॉल्यूम चेंज फ्रॉम वॉल्यूम, क्या लिखा हो, इफ इट अंडरगोज, हाँ इफ इट अंडरगोज वॉल्यूम चेंज फ्रॉम वॉल्यूम वी वन टू वी टू, isothermally and reversibly then work done during the process is determined as follows. Then work done during the process is determined as follows. तो देखो बेटा क्या होगा, W isothermal reversible, W isothermal reversible is equal to माइनस पी इंटरनल. तो पी इंटरनल यहां पे क्या हो जाएगा, पी इंटरनल हो जाएगा एन आर टी बाई वी, एन आर टी बाई वी इंटू डी वी. वॉल्यूम कहां से कहां चेंज हो रहा है, वी वन टू वी टू, ठीक है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है फ्रॉम वी वन टू वी टू. अब जो कांस्टेंट टर्म है उनको बाहर कर लेते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल वी वन टू वी टू, एक मिनट, माइनस एन आर टी, ये कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रल डीवी ओवर वी, लिमिट क्या है, वी वन टू वी टू, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है. तो अब इसको अगर सॉल्व करें तो इंटीग्रल डीएक्स बाय एक्स क्या होता है, इंटीग्रल डीएक्स बाय एक्स क्या होता है, लॉग एक्स प्लस कांस्टेंट, है कि नहीं, इंटीग्रल डीएक्स बाय एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस कांस्टेंट. तो ये हम यहां पे यूज करेंगे, तो क्या आ गया, this implies W isothermal reversible is equal to minus nRT, इसका integral क्या आ जाएगा, ln V, और limit क्या है, V1 to V2, लिमिट वी वन टू वी टू, ठीक है. अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस एन आर टी एल एन, पहले अपर लिमिट पुट करते एल एन वी टू, फिर लोअर लिमिट पुट करते माइनस एल एन वी वन, ठीक है, तो एल एन वी टू माइनस एल एन वी वन, और फिर लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो लॉग एक्स माइनस वाई क्या होता है, लॉग एक्स बाई वाई, log x माइनस log y क्या होगा, log x by y, तो ये आ जाएगा माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन, ठीक है, माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन, माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन. आप अगर इसको 10 बेस पे कन्वर्ट करते हो तो
क्या बताया हुआ है मैंने आपको, एल एन एक्स इज इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ एक्स बेस 10, ठीक है, लॉग ऑफ एक्स बेस ई इज इक्वल टू 2.303 टाइम्स लॉग ऑफ एक्स बेस 10, ठीक है। तो अगर आप इसको 10 बेस पे कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये 2.303 का फैक्टर आ जाएगा यहां पे। तो अब आप किसको क्या लिखोगे, आप लिखोगे W isothermal reversible is equal to minus 2.303 nRT log of 10 base V2 by V1, ठीक है। अब इसको हमने 10 बेस पे कन्वर्ट कर लिया। अब हमें आगे लॉग टेबल देखने की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो लॉग टेबल कैसे देखते हैं मैं आपको आगे की क्लास में बताऊंगा, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में भी इसकी जरूरत पड़ेगी। आप देख ही रहे फॉर्मूला, अब इस फॉर्मूला को यूज करोगे। अब मान लो लॉग वैल्यू आगे लॉग 3.5, तो उसके लिए तो आपको लॉग टेबल देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो लॉग टेबल देखना आपको आना चाहिए। तो कैसे देखते हैं लॉग टेबल मैं आपको बताऊंगा। और इसी तरीके से अगला जो चैप्टर आएगा इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में तो बहुत ज्यादा यूज होता है लॉग टेबल का। अच्छा एक बात और देखो, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है और क्या है, गैसियस मोल फिक्स्ड है, ठीक है। यहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है और गैसियस मोल फिक्स्ड है, तो बॉयल्स लॉ होल्ड करना चाहिए। और बॉयल्स लॉ अगर होल्ड करेगा तो क्या हो जाएगा, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अगर पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, P1V1 इज इक्वल टू P2V2। तो हम यही फॉर्मूला जो वॉल्यूम के टर्म्स में लिखा हुआ है, हम इसको प्रेशर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप नोट करो, देखो हियर नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, हियर नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस एंड टेम्परेचर, हियर नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस एंड टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट, हियर नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस एंड टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट, देयरफोर फ्रॉम बॉयल्स लॉ, देयरफोर फ्रॉम बॉयल्स लॉ PV is equal to constant, ठीक है। This implies P1V1 is equal to P2V2. Therefore, V2 by V1 is equal to P1 by P2, ठीक है। V2 by V1 is equal to P1 by P2. अब क्या करेंगे बेटा, ये V2 by V1 की जगह पे P1 by P2 को पुट कर देंगे, तो एक और फॉर्मूला मिल जाएगा हमें। तो फिर हम ये लिख सकते हैं, ये जाएगा W isothermal reversible is equal to minus 2.303 nRT log of 10 base P1 by P2, ठीक है, log of 10 base P1 by P2। अगर इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर गिवन है या इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम गिवन है, तो आप जो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्गन होगा आप उसको कैलकुलेट कर सकते मम्मी के पास, ठीक है। रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में आप वर्गन को कैलकुलेट कर सकते। अब अगर यही सब कुछ ग्राफिकली डिटरमाइन करना हो तो आप इसको ग्राफिकली भी डिटरमाइन कर सकते। देखो कैसे, आइसोथर्मल प्रोसेस में पीवी कॉन्स्टेंट है भाई, ये पीवी कॉन्स्टेंट है, ठीक है। और अगर PV कांस्टेंट है तो P और V के बीच में कर्व कैसा होगा, हाय हाय
रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक होना चाहिए, ठीक है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व होना चाहिए। अब हम यहां पे कर्व ड्रॉ करते हैं बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है, कर्व ड्रॉ करते हैं बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में कर्व यहां पे कैसा होना चाहिए, ऐसा कर्व होना चाहिए, ठीक है, रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व होना चाहिए, बिकॉज यहां पे टेम्परेचर क्या है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो अब देखो ये वाला जो पाथ है ये क्या है, ये पाथ क्या है, रिवर्सिबल पाथ है, बताया था ना, यहां पे इस पाथ पे अगर आप देखो प्रेशर लगातार बदल रहा है, ठीक है, प्रेशर लगातार बदल रहा है वॉल्यूम के साथ, ठीक। तो एक प्रॉपर्टी हमने सिस्टम के लिए हुई है और एक प्रॉपर्टी सराउंडिंग के लिए हुई है, सिस्टम और सराउंडिंग इस पाथ पे हमेशा क्या है, इक्विलिब्रियम में, इस पाथ पे सिस्टम और सराउंडिंग बराबर इक्विलिब्रियम में बने हुए हैं। तो अगर किसी प्रोसेस में सिस्टम और सराउंडिंग हमेशा इक्विलिब्रियम में है तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। तो ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल पाथ, ठीक है, हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रिवर्सिबल, रिवर्सिबल आइसोथर्मल पाथ, रिवर्सिबल आइसोथर्मल पाथ। ये मैटर पूरा आ रहा है ना बेटा, कुछ कट तो नहीं रहा है, ठीक है। तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल पाथ को हम कंसीडर कर रहे हैं। अब देखो अगर यहां पे वॉल्यूम इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट को डिफाइन करते हैं, इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट, मान लो ये है इनिशियल स्टेट वन और ये है फाइनल स्टेट टू, ठीक है, ये इनिशियल स्टेट वन है और ये फाइनल स्टेट टू है। तो अब इसका इस यहां पे प्रेशर क्या होगा, P1, और वॉल्यूम क्या होगा, V1, यहां पे वॉल्यूम V2, प्रेशर क्या है, P2, ठीक है। तो 1 से 2 तक जाने में कितना वर्क डन होगा, तो मैंने आपको बताया हुआ है एरिया अंडर PV कर्व, एरिया अंडर पीवी कर्व गिव्स वर्क डन, एरिया अंडर पीवी कर्व गिव्स वर्क डन। तो अब यहां पे देखो वर्क डन कितना है इस पूरे प्रोसेस में, तो वर्क डन निकालना है तो ये एरिया अंडर कर्व आप डिटरमाइन करोगे, ठीक है, ये वन और टू के बीच में जो कर्व है उसके अंडर एरिया आप निकालोगे। तो ये एरिया अंडर कर्व हमें क्या बताएगा, वर्क डन बताएगा, और ये एरिया अंडर कर्व किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, है कि नहीं, मैथमेटिकली ये इसके बराबर है। तो ये एरिया अंडर कर्व जो हमने यहां पे डिटरमाइन किया है, ये एरिया अंडर कर्व इसके बराबर है माइनस 2.303 एन आर टी लॉग ऑफ 10 बेस वी टू बाई वी वन। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, अगर आप देखो तो प्रेशर के टर्म्स में ये वाला जो एरिया है ना वो इस एरिया के भी बराबर होगा, ये जो एरिया आप देख रहे हो ना, ये एरिया और ये वाला एरिया, ये दोनों बराबर होंगे। तो आप इसको ऐसे भी कंसीडर कर सकते हो, अगर प्रेशर एक्सिस के करस्पॉन्डिंग देखो, समझाए कि नहीं, ये वाला जो एरिया अंडर कर्व है और ये वाला जो एरिया अंडर कर्व है बेटा, ये दोनों बराबर है, ठीक है,
तो आप इसको, और अगर आप इस तरीके से अगर आप इसको कंसीडर करो तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा W रिवर्सिबल आइसोथर्मल इज इक्वल टू माइनस 2.303 NRT log of 10 base P1 by P2. समझ कि नहीं? तो आप यहां पे बोल सकते हो एरिया अंडर कर्व कौन सा, 1 2 V2 V1 एंड एरिया अंडर कर्व 1 2 P2 P1, ये क्या है, बराबर है। तो आपको ये सारी एनालिसिस मैथमेटिकली तो आनी ही चाहिए, साथ में आपको ग्राफिकली भी एनालिसिस आनी चाहिए। ये क्लियर हो गया बेटा? क्या हुआ? अच्छा तुम ही बाहर हो गए? रुक जाओ रुक जाओ। तुम्हें भी एडमिट कर लेता हूं। तो ये तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस की एनालिसिस हो गई। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इररिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस को। तो आप नोट करो, इररिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस Irreversible isothermal process. देखो obviously isothermal process है तो temperature constant होगा, delta T zero होगा, डेल्टा यू जीरो होगा, यहां तक कोई चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, डेल्टा यू जीरो है और ये किसके बराबर है, क्यू प्लस डब्ल्यू, यानी कि डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू। अब डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी होगा, डब्ल्यू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू वी टू माइनस वी वन, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो, लिखो इफ एन मोल ऑफ आइडियल गैस, इफ एन मोल ऑफ आइडियल गैस, if n mole of ideal gas undergoes in state change from volume v1 to v2
फ्रॉम वॉल्यूम वी वन टू वी टू, फ्रॉम वॉल्यूम वी वन टू वी टू एंड प्रेशर पी वन टू पी टू, एंड प्रेशर पी वन टू पी टू इरिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली, इरिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली, इरिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली, ठीक है। तो अब देखो क्या है, फाइनल प्रेशर P2 है, फाइनल वॉल्यूम V2, इनिशियल प्रेशर P1, इनिशियल वॉल्यूम V1। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू V2, V2 क्या हो जाएगा nRT by P2, है कि नहीं, nRT by P2, नंबर ऑफ मोल फिक्स है, टेम्परेचर फिक्स है, nRT by P2 माइनस V1 क्या हो जाएगा nRT by P1, ये लिख सकते। तो अब आप देखो, तो फिर ये लिखा जाएगा यहां से, दिस इंप्लाइज W इज इक्वल टू माइनस nRT P एक्सटर्नल, माइनस nRT P एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड बाय क्या जाएगा, 1 बाय P2 माइनस 1 बाय P1, यानी कि आप लिख सकते हो P1 माइनस P2 अपॉन P1 P2, ठीक है। अब इसमें दो केसेस ऑब्जर्व होते हैं, एक तो होता है इंटरमीडिएट एक्सपेंशन का केस और एक होता है कंप्लीट एक्सपेंशन का केस, ठीक है। एक इंटरमीडिएट एक्सपेंशन का केस होता है और एक कंप्लीट एक्सपेंशन का केस होता है। तो दोनों में क्या फर्क है, अगर कंप्लीट एक्सपेंशन होगा तो कंप्लीट एक्सपेंशन में क्या होगा, जो फाइनल इंटरनल प्रेशर होगा, कंप्लीट एक्सपेंशन में फाइनल इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर, भाई एक सिस्टम कंप्लीटली एक्सपेंड कर रहा है, कब तक करेगा, जब तक कि अंदर वाला प्रेशर बाहर वाले प्रेशर के बराबर नहीं हो जाता, तब तक वो एक्सपेंड करता रहेगा। तो कंप्लीट एक्सपेंशन में फाइनल इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा, ठीक है। और दूसरा होता है इंटरमीडिएट एक्सपेंशन, इंटरमीडिएट एक्सपेंशन में क्या होता है, फाइनल इंटरनल प्रेशर इज नॉट इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, समझ में आया कि नहीं। तो ये वाला जो रिजल्ट आप देख रहे हो, दिस रिजल्ट इज एप्लीकेबल फॉर इंटरमीडिएट एक्सपेंशन, ठीक है, दिस रिजल्ट इज एप्लीकेबल फॉर इंटरमीडिएट एक्सपेंशन। तो आप नोट कर लो, लिखो, इन केस ऑफ इंटरमीडिएट एक्सपेंशन, इन केस ऑफ इंटरमीडिएट एक्सपेंशन, इन केस ऑफ इंटरमीडिएट एक्सपेंशन, फाइनल इंटरनल प्रेशर इज नॉट इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, इज नॉट इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, यानी कि P2 is not equal to P external, ठीक है, P2 is not equal to P external, मतलब ये result hold करेगा exactly। तो W यहां पे मैं intermediate लिख रहा हूं, is equal to minus nRT P external into P1 minus P2 upon P1 P2,
तो इंटरमीडिएट एक्सपेंशन में ये वाला रिजल्ट आप अप्लाई करोगे, यानी कि ये रिजल्ट अप्लाई करोगे। अब आप लिखो इन केस ऑफ कंप्लीट एक्सपेंशन कौन से रिजल्ट के होल्ड करने की बात कर रहे हो बेटा? करण, अच्छा बेसिकली क्या है कि एक तो होता है कि हम एक सिस्टम को फ्री छोड़ देते हैं कि वो जब तक एक्सपैंड कर सकता है तब तक वो करता रहे, और हम उसको उस स्टेज तक जाने देते हैं जहां तक वो मैक्सिमम एक्सपैंड कर सकता है। तो वो वाला केस तो है कंप्लीट एक्सपेंशन, ठीक है, उसको हम बोलेंगे कंप्लीट एक्सपेंशन। बट यहां पे क्या बात हो रही है, बोला है कि एक सिस्टम को हम अपनी मर्जी के हिसाब से किसी बीच की स्टेज पर रोकना चाहते हैं, मतलब हम उसको फ्रीली नहीं छोड़ रहे कि वो कंप्लीट एक्सपेंशन वाली स्टेज तक जाए, उसको हम बीच की स्टेज पे ही रोकना चाहते हैं, तो उसको बोलेंगे इंटरमीडिएट एक्सपेंशन। तो इंटरमीडिएट एक्सपेंशन और कंप्लीट एक्सपेंशन में फर्क क्या है, ये फर्क। इंटरमीडिएट एक्सपेंशन में फाइनल इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर नहीं होगा, बट कंप्लीट एक्सपेंशन में क्या होगा, फाइनल इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा। तो आप लिख लो इन केस ऑफ कंप्लीट एक्सपेंशन फाइनल इंटरनल प्रेशर इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, यानी कि P2 इज इक्वल टू P एक्सटर्नल। अब इसको आप यहां पे पुट करो, P2 इज इक्वल टू P एक्सटर्नल, तो क्या होगा, P एक्सटर्नल और P2 कैंसिल हो जाएंगे, है कि नहीं, क्योंकि दोनों बराबर है, तो क्या जाएगा, W कंप्लीट इज इक्वल टू माइनस एन आर टी P1 माइनस P2 बाई P1, यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 माइनस P2 बाई P1। तो इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में आपको ये दो रिजल्ट दिमाग में रखने हैं, एक तो इंटरमीडिएट एक्सपेंशन के लिए ये वाला रिजल्ट और कंप्लीट एक्सपेंशन के लिए ये वाला रिजल्ट। और अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो आपको इस कंडीशन में होना चाहिए कि आप रिजल्ट डिराइव कर सको, ऐसा डेरिवेशन में तो कोई बहुत स्पेशल बात है नहीं, तो आप ये रिजल्ट को डिराइव भी कर सकते हो। एक सिचुएशन और आती है, वो है फ्री एक्सपेंशन, ठीक है, फ्री एक्सपेंशन, लिखो फ्री एक्सपेंशन। अब ये बताओ कि कोई भी सिस्टम फ्रीली एक्सपेंड कब करेगा, एक सिस्टम फ्रीली एक्सपेंड कब करेगा, जब कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, है कि नहीं। जैसे एक सिस्टम एक्सपैंड करना चाहता है तो उसको रेजिस्ट कौन करेगा एक्सपेंशन को, एक्सटर्नल प्रेशर, है कि नहीं। अगर मान लो एक बैलून है, वो फ्रीली एक्सपैंड करना चाहता है, तो उसको एक्सपैंड करने से कौन रोकता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। अगर एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होगा तो क्या होगा, वो फ्रीली एक्सपैंड करेगा, ठीक है। तो आप लिख लो इन केस ऑफ फ्री एक्सपेंशन P
P external is equal to zero. और P external अगर zero हो गया तो work done होगा क्या? ठीक है, तो P external is equal to zero, therefore work done is equal to zero. There is no work done. अच्छा आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा यू भी जीरो होगा, है कि नहीं? एंड फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, हम ये मान करके चल रहे हैं कि आइडियल गैस है हमारे पास, एंड फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, अब देखो अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कंसीडर किया जाए तो लिख लो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या हो जाएगा? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यानी कि जीरो इज इक्वल टू क्यू प्लस जीरो, यानी कि क्यू इज इक्वल टू जीरो. क्यू इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब अगर फ्री एक्सपेंशन है तो फ्री एक्सपेंशन के केस में इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा, कोई वर्क डन नहीं होगा, तीनों जीरो. ये एनालिसिस तो एनसीईआरटी में भी गिवन है, थोड़ा सा मैंने और इलेबोरेट किया है, एक दो इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा बताया हुआ आपको, जैसे इंटरमीडिएट एक्सपेंशन का केस, फ्री ये कंप्लीट एक्सपेंशन का केस, ऐसा कोई क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी में नहीं है. ठीक है, अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एडियाबेटिक प्रोसेस को. लिखो एडियाबेटिक प्रोसेस. नोट करो, ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस देयर इज नो हीट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस देयर इज नो हीट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. तो इसका मतलब क्या है? Q इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या हो जाएगा? डेल्टा U इज इक्वल टू जीरो प्लस W, यानी कि डेल्टा U इज इक्वल टू W. अच्छा, डेल्टा U को अगर कंसीडर करें तो डेल्टा U हमेशा क्या है? एनसीवी डेल्टा T के बराबर है. डेल्टा U इज इक्वल टू एनसीवी डेल्टा T. सिंस डेल्टा U is equal to ncv delta t, therefore w is equal to, ठीक है, w that is delta u is equal to ncv
डेल्टा टी। अब यहां पे कुछ और रिजल्ट आ जाते हैं। मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि सीवी इज इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस वन। सीवी इज इक्वल टू मेयर्स इक्वेशन के बाद ये रिजल्ट डिराइव किया था, सीवी इज इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस वन। तो हम इसको लिख सकते हैं ये W इज इक्वल टू डेल्टा U एंड दिस इज इक्वल टू N इंटू आर अपॉन गामा माइनस वन, ये CV की जगह पे लिखा हुआ है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा T2 माइनस T1। ध्यान देना, एडियाबेटिक प्रोसेस में टेम्परेचर भी चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा, प्रेशर भी चेंज होगा, ठीक है। यहां पे टेम्परेचर भी चेंज होता है, वॉल्यूम भी चेंज होता है और प्रेशर में भी चेंज होता है। आप देखो बेटा, तो W यहां पे आप इसको लिख सकते हो NRT2 माइनस NRT1 डिवाइडेड बाय गामा माइनस वन, ठीक है। W या इसको ये लिख सकते हैं। अब NRT2 क्या होगा, P2V2, NRT2 P2V2 और NRT1 P1V1। तो हम ये लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज W इज इक्वल टू P2V2 माइनस P1V1 डिवाइडेड बाय गामा माइनस वन। ये सब डायरेक्ट रिजल्ट आ जाते हैं क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। ये फॉर्मूला, सीधे फॉर्मूला वहां ऑप्शन में मिल जाता है। ठीक है, तो W इज इक्वल टू ये वाला रिजल्ट N इंटू आर अपॉन गामा माइनस वन इंटू T2 माइनस T1 और ये रिजल्ट P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा माइनस वन। तो ये रिजल्ट आप यूज कर सकते हो किसी भी एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, फॉर एनी एडियाबेटिक प्रोसेस इसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब मैं कुछ और रिजल्ट बताने जा रहा हूं रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। तो लिख लो, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। तो देखो, जब हम रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करेंगे तो क्योंकि वहां पे प्रेशर वॉल्यूम सब कुछ लगातार बदल रहा होगा, इसलिए हमें छोटे छोटे एलिमेंट लेकर के एनालिसिस करनी होती है, छोटे छोटे स्टेप्स के थ्रू एनालिसिस करनी होती है, ठीक है। अब छोटे छोटे स्टेप्स के थ्रू जब आप एनालिसिस करनी होती है तो ऑब्वियसली डेल्टा यू की बजाय हम क्या लिखेंगे, डीयू। डेल्टा यू की जगह पे क्या लिखेंगे, डीयू लिखेंगे, ठीक है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, डीयू इज इक्वल टू डब्ल्यू, डीयू इज इक्वल टू डब्ल्यू और डीयू क्या हो जाएगा यहां पे, डीयू इज NCV dT, ठीक है, डीयू इज NCV dT और डब्ल्यू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा माइनस पी डीवी, ठीक है। अब आप देखो, नोट करो, कंसिडरिंग ये लिखने के बाद
ये लिखने के बाद लिखो कंसिडरिंग एन मोल ऑफ आइडियल गैस, कंसिडरिंग एन मोल ऑफ आइडियल गैस विच अंडरगोज स्टेट चेंज फ्रॉम स्टेट वन. अब स्टेट वन के लिए जो स्टेट फंक्शन क्वांटिटीज है वो क्या है, P1, V1 and T1. एक तरीके से ये उसके कोऑर्डिनेट्स है. स्टेट वन को डिफाइन करने के लिए ये कोऑर्डिनेट्स, वहां पे प्रेशर क्या है, वहां पे वॉल्यूम क्या है, वहां पे टेम्परेचर क्या है, ठीक है. स्टेट वन और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, P1, V1, T1. टू स्टेट टू. स्टेट टू के कोऑर्डिनेट्स क्या है, P2, V2, T2. ठीक है. स्टेट वन से स्टेट टू पे उसको ले जा रहे हैं. स्टेट वन से स्टेट टू पे उसको ले जा रहे हैं. स्टेट वन के कोऑर्डिनेट्स क्या है, P1, V1, T1. एंड स्टेट टू के कोऑर्डिनेट क्या है, P2, V2, T2. ठीक है. आप देखो बेटा, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एनसीवी डीटी इज इक्वल टू माइनस पी. तो पी क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा एन आर टी बाय वी डीवी. ठीक है, एन आर टी बाय वी डीवी. अब यहां पे हम t को इधर ले आएंगे और कॉमन टर्म को कैंसिल कर दे, तो कॉमन टर्म क्या है, n कैंसिल हो गया, n दोनों साइड से कैंसिल हो गया, तो क्या मिला, सीवी डी टी बाय टी. ये t को इधर ले आए तो सीवी डी टी बाय टी इज इक्वल टू माइनस आर डीवी बाय वी. ठीक है भाई, सीवी डी टी और ये टी इधर ले आया, तो सीवी डी टी बाई टी इज इक्वल टू माइनस आर डीवी बाई वी. ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि वैल्यूज लगातार बदल रही है. ठीक है, तो इंटीग्रेशन ही एक रास्ता है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे. अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करते तो यहां पे टेम्परेचर कहां से कहां वेरी कर रहा है, T1 to T2, और वॉल्यूम कहां से कहां वेरी कर रहा है, V1 to V2. तो क्या आ जाएगा बेटा, देखो सीवी इंटीग्रल डी टी बाई टी लॉग टी, इंटीग्रल डी एक्स बाई एक्स लॉग एक्स, तो इंटीग्रल डी टी बाई टी लॉग टी, लॉग टी और लिमिट क्या है, T1 to T2 इज इक्वल टू माइनस आर, और इंटीग्रल डीवी बाई वी लॉग वी लिमिट V1 to V2. ठीक है, तो फिर हम इसको क्या लिखेंगे, CV ln T2 by T1 सीधे लिखा मैंने,
इज इक्वल टू माइनस आर एल एन वी टू बाई वी वन। ठीक है, माइनस साइन को अगर हटाना है तो आप इसको ये भी लिख सकते हो सी वी एल एन टी टू बाई टी वन इज इक्वल टू आर एल एन वी वन बाई वी टू। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक्सचेंज करोगे तो यहां पे साइन बदल जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया सी वी एल एन टी टू बाई टी वन इज इक्वल टू आर एल एन वी वन बाई वी टू। ठीक है, तो अब देखो, अब हम इसको ये सी वी को इधर ले जाते तो क्या आ जाएगा एल एन टी टू बाई टी वन इज इक्वल टू आर बाई सी वी एल एन वी वन बाई वी टू। ठीक है, और आपको पता है कि सिंस सी वी इज इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस वन तो दिस इंप्लाइज आर बाई सी वी इज इक्वल टू गामा माइनस वन। आर बाई सी वी क्या जाएगा गामा माइनस वन, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं गामा माइनस वन, और फिर लॉग की एक और प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक है, लॉग की एक और प्रॉपर्टी यहां पे यूज करेंगे तो क्या आया देखो दिस इंप्लाइज एल एन टी टू बाई टी वन इज इक्वल टू गामा माइनस वन, गामा माइनस वन एल एन वी वन बाई वी टू। ठीक है, अब देखो हमें एक बात पता है कि एल एन एम टू द पावर एन इज इक्वल टू एन एल एन एम, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो अब यहां पे देखो एन की जगह पे गामा माइनस वन है, हाँ ये एन की जगह पे क्या है गामा माइनस वन एल एन और एम की जगह पे क्या वी वन बाई वी टू। ठीक है, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज एल एन टी टू बाई टी वन इज इक्वल टू एल एन वी वन बाई वी टू टू द पावर गामा माइनस वन, लिख सकते। तो अब आप देखो एल एन एक्स इज इक्वल टू एल एन वाई, एल एन एक्स ये एक्स इज इक्वल टू एल एन वाई है कि नहीं, log x इज इक्वल टू लॉग वाई, दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू वाई, समझाए कि नहीं। तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि दिस इंप्लाइज टी टू बाई टी वन इज इक्वल टू वी वन बाई वी टू टू द पावर गामा माइनस वन। टी टू बाई टी वन इज इक्वल टू वी वन बाई वी टू टू द पावर गामा माइनस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा दिस इंप्लाइज टी वन वी वन टू द पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू टी टू वी टू टू द पावर गामा माइनस वन। टी वन वी वन टू द पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू टी टू वी टू टू द पावर गामा माइनस वन। इसका मतलब क्या आ गया, इसका मतलब आ गया देयरफॉर टी वी टू द पावर गामा माइनस वन इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, टी वी टू द पावर गामा माइनस वन इज कॉन्स्टेंट, बट ध्यान देना ये रिजल्ट जो हमने निकाला है कैसे निकाला है, इंटीग्रेशन के थ्रू, इंटीग्रेशन के थ्रू निकाला। इसका मतलब दिस रिजल्ट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, भूल करके भी इसको इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए अप्लाई मत करना, नहीं तो लड्डू मिलेगा।
अब देखो बेटा, जैसे हमने यहाँ पे टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप को डिराइव किया है, ऐसे ही हम यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में भी रिलेशनशिप डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जो तीन वेरिएबल है, कौन कौन से, पी वी टी, उनमें से दो दो वेरिएबल के बीच में जो रिलेशनशिप है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप को डिटरमाइन करें तो देखो कैसे आएगा। देखो आपको आपको मैंने बताया कि यहाँ पे प्रेशर भी बदल रहा है, वॉल्यूम भी बदल रहा है, टेम्परेचर भी बदल रहा है। क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है, सिर्फ गैसियस अमाउंट, गैसियस मोल कांस्टेंट है। प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों बदल रहे, तो अगर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों बदल रहे तो कौन सा गैस लॉ होल्ड करता है, कंबाइंड गैस लॉ। कौन सा गैस लॉ, कंबाइंड गैस लॉ, यानी कि पी वन वी वन बाय टी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू बाय टी टू। ठीक है, तो आप लिखोगे सिंस इन केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, इन केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, only amount of gas is constant, only amount of gas is constant. ठीक है, therefore क्या लिखेंगे, p1 v1 by t1 is equal to p2 v2 by t2. ठीक है, अब ये वाला रिजल्ट को देखना बेटा, हम यहाँ पे P और V के बीच में रिलेशनशिप चाहते हैं, इसका मतलब ये T को हटाना पड़ेगा, T को हम हटाना चाहते हैं यहां से। तो देखो T2 by T1 का एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं, तो दिस इंप्लाइज T2 by T1, T2 by T1 इज इक्वल टू क्या आ गया, P2 V2 अपॉन P1 V1। अरे ये T2 इधर गया, ये इधर ले आए, तो T2 by T1 इज इक्वल टू P2 V2 upon P1 V1। मान लो ये इक्वेशन वन है, इसको इक्वेशन वन बोल देते हैं। पुटिंग दिस इन इक्वेशन वन, पुटिंग दिस इन इक्वेशन वन, ठीक है, अगर हम इसको इक्वेशन वन में पुट करते हैं क्या आएगा, P2 V2 upon P1 V1 is equal to V1 by V2 to the power gamma minus। ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, P1 V1 into V1 to the power gamma minus 1, तो क्या आ जाएगा, P1 V1 to the power gamma, और इधर से क्या जाएगा, P2 V2 to the power gamma। तो this implies P1 V1 to the power gamma is equal to P2 V2 to the power gamma, therefore P V to the power gamma is equal to constant। ये भी आप रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए ही अप्लाई करोगे। सॉरी, पी वन वी वन वाला दोबारा बता। तो देखो आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में क्या था, पी और वी के बीच में रिलेशनशिप, पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या रिजल्ट था, पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहां क्या आया, पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और ये जो गामा वैल्यू है ये हमेशा ग्रेटर देन वन, क्योंकि गामा क्या है, सीपी बाई सीवी, सीपी सीवी से हमेशा बड़ी होती है। ठीक है, तो गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन। अच्छा, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप आ गई। अब अगर आपसे बोला जाए कि प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप डिटरमाइन करो,
तो क्या कर सकते हो भाई, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में आपको रिलेशनशिप चाहिए, तो यहाँ पे ये V1 by V2 जो है, V1 by V2 का एक्सप्रेशन इससे फिर से निकालो, यहां से V1 by V2 निकालो इन टर्म्स ऑफ पी एंड टी, और उसको यहां पे पुट कर दो और फिर सॉल्व करो। तो जरा सॉल्व करके बताओ, तो V1 by V2 क्या आ गया बेटा, V1 by V2 is equal to P2 T1 upon P1 T2। Putting this in equation 1, इसमें put कर रहे हैं, तो put करते हैं तो क्या मिलेगा, T2 by T1 is equal to P2 T1 upon P1 T2 to the power gamma minus 1। ठीक है, तो अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बेटा क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज P1 टू द पावर गामा माइनस 1। ठीक है, P1 टू द पावर गामा माइनस 1 इंटू T2 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 टू द पावर गामा माइनस 1 इंटू T1 टू द पावर गामा। अब यहां से अगर आप देखो तो क्या मिल गया, यहां से आपको मिल जाएगा T1 टू द पावर गामा अपॉन P1 टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 टू द पावर गामा अपॉन P2 टू द पावर गामा माइनस 1। ठीक है, T1 टू द पावर गामा अपॉन P1 टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 टू द पावर गामा अपॉन P2 टू द पावर गामा माइनस 1। यानी कि आप इसको लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज टी टू द पावर गामा इंटू पी टू द पावर 1 माइनस गामा। ये इसको न्यूमरेटर में ले जाओगे तो P1 टू द पावर गामा माइनस 1 न्यूमरेटर में गया तो क्या हो जाएगा, P1 टू द पावर 1 माइनस गामा। ठीक है, तो टी टू द पावर गामा इंटू पी टू द पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट।
ठीक है, तो टी टू दी पावर गामा इंटू पी टू दी पावर वन माइनस गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब मैथमेटिकली आप इसको और भी अलग अलग तरीके से लिख सकते हो, जैसे आप इसको ये भी लिख सकते हो टी इंटू पी टू दी पावर वन माइनस गामा अपॉन गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। यानी कि आप इसको लिख सकते हो वन टी इंटू पी टू द पावर वन बाई गामा माइनस वन इज कॉन्स्टेंट, या आप इसको आप उल्टा करके भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो पी इंटू टी टू द पावर गामा अपॉन वन माइनस गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब ये आपके मैथमेटिकल स्किल पे डिपेंड करता है कि आप इसको समझ पा रहे हो या नहीं। ठीक है, तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या क्या रिजल्ट है आपके पास, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या क्या रिजल्ट है बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम? अरे बोलो, पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, आप भी वही बोलो जहां बैठे हुए। हाँ, पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। और प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में क्या रिजल्ट है, टी टू द पावर गामा इंटू पी टू द पावर वन माइनस गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में क्या रिजल्ट है, पी वी टू द पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये रिजल्ट हम रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए अप्लाई करते हैं। अब आप लिखो इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस अगर मान लो स्टेट चेंज हो रहा है फ्रॉम वन टू टू, ठीक, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है पी वन वी वन टी वन, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है पी टू वी टू टी टू, ठीक है। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होगा यहां पे W, ये तो हमेशा ही होल्ड करेगा बिकॉज Q इज इक्वल टू जीरो, एडियाबेटिक प्रोसेस है, देयर इज नो हीट ट्रांसफर, डेल्टा U इज इक्वल टू W। अब डेल्टा U इज इक्वल टू W एंड W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इनटू डेल्टा V, कई बार क्या होता है ना क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, इधर ये डेल्टा यू वाला जो रिजल्ट है एनसीवी डेल्टा टी और इधर ये वाला, इनको इक्वेट करके भी इंफॉर्मेशन निकाली जाती है, इसलिए आपको डेरिवेशन का जो पूरा प्रोसेस है ना वो भी समझ में आना चाहिए। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू एंड दैट इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू वी टू माइनस वी वन, तो ये क्या आ जाएगा बेटा माइनस पी एक्सटर्नल इंटू वी टू, वी टू क्या हो जाएगा एन आर टी टू बाई V2 माइनस V1 क्या हो जाएगा एन आर टी वन बाई पी वन,
ठीक है, एन आर कॉमन, तो ये आ गया माइनस एन आर पी एक्सटर्नल टी टू पी वन माइनस टी वन पी टू अपॉन पी वन पी टू, ठीक है। अब यहां भी वैसा ही होगा, ये कब एप्लीकेबल होगा? इंटरमीडिएट एक्सपेंशन के लिए। दिस रिजल्ट इज एप्लीकेबल फॉर इंटरमीडिएट एक्सपेंशन। डेल्टा यू इंटरमीडिएट इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटरमीडिएट एंड दैट इज इक्वल टू माइनस एन आर पी एक्सटर्नल इंटू पी टू पी वन माइनस टी वन पी टू अपॉन पी वन पी टू फॉर कंप्लीट एक्सपेंशन। फॉर कंप्लीट एक्सपेंशन फॉर कंप्लीट एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी टू, पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी टू पुट करते हैं तो डेल्टा यू कंप्लीट इज इक्वल टू डब्ल्यू कंप्लीट एंड दिस इज इक्वल टू माइनस एन आर पी एक्सटर्नल और पी टू कैंसिल हो गया, माइनस एन आर पी टू पी वन माइनस टी वन पी टू अपॉन पी वन, ये आ गया बेटा। अब इसमें भी फ्री एक्सपेंशन का केस आता है तो उसको भी लिख लो, फ्री एक्सपेंशन, फ्री एडियाबेटिक एक्सपेंशन। अब फ्री एक्सपेंशन चाहे आइसोथर्मल मैनर में हो या एडियाबेटिक मैनर में हो, पी एक्सटर्नल तो जीरो ही होगा, ठीक है, तो पी एक्सटर्नल जीरो है तो हियर क्यू इज इक्वल टू जीरो। क्यों? सिंस प्रोसेस इज एडियाबेटिक। क्यू इज इक्वल टू जीरो, डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो, क्यों? पी एक्सटर्नल इज जीरो, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ से देयरफॉर From first law क्या हो जाएगा? Delta U is equal to zero। इसका मतलब free expansion कोई भी हो, Delta U, Q, W तीनों zero होंगे। तो free adiabatic expansion और free isothermal expansion में same result observe होता है। फ्री एडियाबेटिक एक्सपेंशन और फ्री आइसोथर्मल एक्सपेंशन में सेम रिजल्ट ऑब्जर्व होते हैं, आइडेंटिकल रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड। अब अगर ग्राफिकली इनको कंपेयर किया जाए, ठीक है, तो ग्राफिकली कंपेयर करने पे क्या सिचुएशन अराइज होती है? ठीक है, तो लिख लो कंपैरिजन ऑफ वर्क डन, कंपैरिजन ऑफ वर्क डन, हां एक्सपेंशन कंप्रेशन दोनों में ये फॉर्मूला लगेगा,
केमिस्ट्री वाला जो फॉर्मूला है वो हमेशा सेम रहेगा, फिजिक्स में सिचुएशन के अकॉर्डिंग साइन बदलते तो लिख लो ग्राफिकल नहीं कंपैरिजन ऑफ वर्क डन ग्राफिकली, कंपैरिजन ऑफ वर्क डन ग्राफिकली। देखो बेटा पीवी डायग्राम के टर्म्स में एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। मान लो इनिशियल स्टेट फिक्स है, इनिशियल स्टेट फिक्स है, ये है इनिशियल स्टेट पी वन एंड वी वन, ठीक है। अब यहां से हम वॉल्यूम चेंज करना चाहते हैं वी टू तक, वॉल्यूम को चेंज करके कहां ले जाना चाहते हैं वी टू तक, ठीक है। कैसे? तीन तरीके से। कैसे? तीन तरीके से। कौन से तीन तरीके? आइसोबारिकली, एडियाबेटिकली, आइसोथर्मली, ठीक है। हम तीन तरीके से इसको वॉल्यूम को चेंज करके कहां ले आना चाहते हैं V2 तक लाना चाहते हैं, मतलब ये बाउंड्री फिक्स्ड है, आपको V2 तक लाना, इसके आगे कर गया मतलब बाउंड्री क्रॉस हो गई, हमें इसको यहां तक ले आना है। अब पहले कैसे ला रहा है इसको? आइसोबारिकली, ठीक है, आइसोबारिकली लाते हैं इसको। तो अगर आप आइसोबारिकली लाते हैं मतलब प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए वॉल्यूम को चेंज करना है, ठीक है। तो प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए हम इसका वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे ये यहां से मूव करके यहां आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो प्रोसेस है ये क्या है? आइसोबारिक प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस। अब हम यही चेंज आइसोथर्मल मैनर में परफॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल मैनर में यही चेंज कराना चाहते हैं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में कर्व कैसा होना चाहिए? रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व होना चाहिए ऐसा, ठीक है। ये आगे इस तरीके से जा रहा होगा और इधर ये इस तरीके से जा रहा होगा, हमें तो सिर्फ इसके अंदर वाला पार्ट देना देखना है। ठीक है, तो ये कर्व कौन सा है? ये कर्व है रिवर्सिबल, रिवर्सिबल आइसो थर्मल, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। अब देखो इसी चेंज को हम रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के थ्रू परफॉर्म करना चाहते हैं। तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक। रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होगा बेटा? रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होगा? पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अच्छा, गामा यहां पे क्या है? ग्रेटर देन वन। अब जरा देखो, गामा ग्रेटर देन वन है तो अगर आप यहां पे वॉल्यूम को चेंज करोगे, यहां पे वॉल्यूम में मान लो सर्टेन चेंज करते हो, तब प्रेशर में कितना चेंज होगा? सर वीडियो ब्लर हो रही है। बोलो बोलो सर, वीडियो ब्लर हो रही है, कैमरा फोकस एडजस्ट करो। अच्छा वीडियो सर, कैमरा फोकस लॉस हो रही है, वीडियो में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई भाई।
ऐसा क्या हो गया? नेटवर्क ठीक है, ये तो मोबाइल की प्रॉब्लम दिख रही है। सर सर फोकस सर टैप करके देखो स्क्रीन पे। फोकस प्रॉब्लम। रुक जाओ मैं टेक्निकली बहुत साउंड हूं। अब सही है? यस सर। आप लोगों ने सीरियसली समझ लिया मैं टेक्निकली साउंड एकदम नहीं हूं। देखो ये तो जुगाड़ लग गया। अब प्रॉब्लम क्यों आई थी मुझे नहीं पता, प्रॉब्लम ठीक कैसे हुई मुझे नहीं पता। तो देखो बेटा ये हो गया रिवर्स, ये हो गया आइसोबारिक प्रोसेस और ये क्या हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। अब मैं बात कर रहा हूं रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस की। दोनों के एक्सप्रेशन में क्या चेंज देख रहे हो? यहां पे पी वी टू द पावर वन इज इक्वल टू कांस्टेंट और यहां पे क्या है पी वी टू द पावर ग्रेटर देन वन इज कांस्टेंट। इसका मतलब अगर आप यहां पे सर्टेन वॉल्यूम चेंज करते हो यहां पे उतना ही वॉल्यूम चेंज करो तो यहां पे प्रेशर में चेंज क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन वन है। समझ आया कि नहीं? आप जितना वॉल्यूम चेंज यहां कर रहे हो उस वॉल्यूम चेंज की वजह से प्रेशर में जितना चेंज होगा उसके कंपेयर में अगर उतना ही वॉल्यूम चेंज आप यहां करोगे तो प्रेशर में चेंज ज्यादा होगा। मतलब आप ये बोल सकते हो कि रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में प्रेशर वैल्यू वॉल्यूम के साथ बहुत तेज से डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो यहां पे जो कर्व आएगा बेटा वो कर्व ऐसा आएगा, ऐसा वैल्यू बहुत तेजी से डिक्रीज कर रही होगी। तो ये वाला जो कर्व है ये किसके लिए है? ये है फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। अब आप बताओ एरिया अंडर कर्व सबसे ज्यादा कहां पे ऑब्जर्व हो रहा है? आइसोबारिक प्रोसेस में। एरिया अंडर कर्व आइसोबारिक प्रोसेस में कितना है? आइसोबारिक प्रोसेस में ये है एरिया अंडर कर्व। ठीक है, और आइसोथर्मल प्रोसेस में कितना है? आइसोथर्मल प्रोसेस में ये है एरिया अंडर कर्व। ठीक है, और एडियाबेटिक प्रोसेस में कितना वर्क डन है? ठीक है, इसका मतलब अगर हम ग्राफिकली कंपेयर करें तो एरिया अंडर कर्व सबसे ज्यादा कहां पे? आइसोबारिक प्रोसेस में, फिर आइसोथर्मल प्रोसेस में, फिर एडियाबेटिक प्रोसेस में। ठीक है, तो लिख लो ग्राफिकली वी कैन से दैट, ग्राफिकली वी कैन से दैट, ग्राफिकली वी कैन से दैट, ग्राफिकली वी कैन से दैट
ऑर्डर ऑफ वर्क डन इज क्या है? डब्ल्यू आइसोबैरिक. कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है. डब्ल्यू आइसोबैरिक इज ग्रेटर देन डब्ल्यू आइसोथर्मल. डब्ल्यू आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन डब्ल्यू एडियाबेटिक. यहां पर रिवर्सिबल भी लिख देना. ये ग्राफिकल कंपैरिजन है वर्क डन का. आइसोबैरिक प्रोसेस में सबसे ज्यादा वर्क डन, उसके बाद आइसोथर्मल प्रोसेस में, और सबसे कम वर्क डन एडियाबेटिक प्रोसेस में होगा, ठीक है. अच्छा, एक बात और, क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है, अगर हम एडियाबेटिक आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस को कंपेयर करें. एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं आपको. जैसे देखो, इस कर्व पे टेम्परेचर क्या है, इस पूरे कर्व पे कांस्टेंट है कि नहीं? क्या यहां भी कांस्टेंट है? क्या यहां पे भी टेम्परेचर कांस्टेंट है? नहीं है. क्या यहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है? नहीं है. सिर्फ यहीं पे टेम्परेचर कांस्टेंट है. समझ आया कि नहीं? सिर्फ इस कर्व पे टेम्परेचर कांस्टेंट होगा. अगर अगर कर्व इसके ऊपर जाता है, बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं आपको, अगर कर्व इसके ऊपर जाता है हमेशा टेम्परेचर बढ़ेगा, हीटिंग होगी. और अगर कर्व इसके नीचे आता है हमेशा टेम्परेचर कम होगा, कूलिंग होगी. समझ आया कि नहीं? लेकिन ये कब होगा? एक्सपेंशन के मीन टाइम, जब आप गैस को एक्सपेंड कर रहे होगे. कैसे? आइसोथर्मली तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, आइसोबारिकली टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, हीटिंग होगी, और एडियाबेटिकली डिक्रीज करेगा, कूलिंग होगी, ठीक है. तो यहां पे क्या होगा? यहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट होगा. यहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है. यहां पे टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीजेस, और यहां पे क्या होगा? टेम्परेचर, यहां पे टेम्परेचर डिक्रीजेस. मतलब आपको यह याद रखना है कि अगर पीवी कर्व को कंसीडर करें, प्रेशर वॉल्यूम कर्व को, तो कर्व अगर आइसोथर्मल प्रोसेस वाले कर्व के ऊपर जाता है तो हीटिंग, और आइसोथर्मल प्रोसेस के नीचे आता है कूलिंग, बट सिर्फ एक्सपेंशन, कंप्रेशन में उल्टा हो जाएगा. हाँ, ये एक्सपेंशन का कर्व है, V1 टू V2. ये सब समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है. तो अब इसमें एक सिचुएशन और आती है, बता ही देता हूं, 2 मिनट और लगे. देखो, कर मैंने यहां पे ड्रॉ किया हुआ है तो समझाना मेरे लिए आसान है.
अगर मान लो आपसे आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस में फाइनल वॉल्यूम को फिक्स रखते हुए फाइनल प्रेशर को कंपेयर करने के लिए बोला जाता है। क्या है? फाइनल वॉल्यूम फिक्स है, ऑब्वियसली इनिशियल स्टेट तो पहले ही फिक्स है, तो इनिशियल स्टेट फिक्स है, फाइनल वॉल्यूम फिक्स है, फाइनल प्रेशर कंपेयर करने के लिए बोल रहे हैं। तो फाइनल प्रेशर को अगर आप कंपेयर करो तो क्या रिजल्ट ऑब्जर्व हो रहा है, जरा देखना बेटा। ये है फाइनल प्रेशर कब, आइसोथर्मल प्रोसेस में, ये पी आइसोथर्मल है ठीक, और ये है फाइनल प्रेशर कब, एडियाबेटिक प्रोसेस। कौन सा प्रेशर ज्यादा है? आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रेशर एडियाबेटिक प्रोसेस के प्रेशर से ज्यादा है, ठीक है, लिख लो इस पर, नोट करो। इफ इनिशियल स्टेट एंड फाइनल वॉल्यूम इज फिक्स्ड, इफ इनिशियल स्टेट एंड फाइनल वॉल्यूम इज फिक्स्ड, then during expansion लिख लेना, p isothermal is greater than p adiabatic। ये एक एक इंफॉर्मेशन जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये क्वेश्चन है, हर इंफॉर्मेशन पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, मतलब पूछा जा सकता है। ऐसे तो मैं सिचुएशन क्या है, अगर हम बोल रहे हैं कि फाइनल प्रेशर फिक्स है, इनिशियल स्टेट फिक्स है, फाइनल प्रेशर फिक्स है, और फाइनल वॉल्यूम कंपेयर करने के लिए बोल रहे हैं, तब क्या होगा? अब जरा देखो, ये मान लो ये फाइनल प्रेशर है, ये सर आप म्यूट हो गए, अब यहां पे क्या सिचुएशन है, देखो ये हो गया वॉल्यूम कौन से प्रोसेस में, आइसोथर्मल प्रोसेस में, और ये है वॉल्यूम कौन से प्रोसेस में, एडियाबेटिक प्रोसेस में, ठीक है। तो क्या ऑब्जर्व हो रहा है, फाइनल वॉल्यूम ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस इज ग्रेटर देन द फाइनल वॉल्यूम ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, बस लिख लो, लिखो if initial state and final pressure is fixed then v isothermal, ठीक है, then v isothermal is greater than v adiabatic, finally then v isothermal is greater than v adiabatic finally, ठीक है। तो अब इसके आगे का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओके बेटा।